नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की। आज दिन रविवार नवरात्रि का पहला दिन बड़ी अम्बे माता मंदिर में पुजारी श्री आदर्श कुमार जी के द्वारा बताया गया कि बड़ी अम्बे माता मंदिर में तीन प्रहर में अलग अलग रूप बदलती हैं और जो भी भक्त इनकी आराधना करता है, इनकी दर्शन करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज मशाल पुत्र जी का दिन है। एक मान्यता के अनुसार माँ सती जब अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके घर पर उनका तिरस्कार किया जा रहा था। उनके पिताजी और उनकी बहनों के द्वारा उनके पिताजी बड़ा यज्ञ करवा रहे थे तो माता सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बाद में शिवजी वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बाद में यही माता शैलपुत्री के नाम से जन्मी और पर्वतराज की पुत्री के नाम से जानी गई। पुजारी श्री आदर्श कुमार जी के अनुसार इनकी आराधना करने से सुख शांति वैभव की प्राप्ति होती है। जय माता दी। जय माता दी। समस्त भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता शैलपुत्री का दिन है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माता सती जो कि शिवजी के मना करने के बावजूद भी अपने पिताजी के घर गईं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए जिनकी वजह से उनका वहाँ उपहास हुआ। उन्होंने उसी समय जो हवन हो रहा था उसी में अपने प्राण त्याग दिए और बाद में भोलेनाथ शंकर जी आए और शंकर जी ने वहाँ का जो रौद्र रूप दिखाया पूरा यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। बाद में यही माता पर्वतराज की पुत्री शैलपुत्री के नाम से जानी गई और आज माता जी का पहला दिन है और इसमें हम माँ शैलपुत्री की आराधना करेंगे। कहते हैं कि माँ शैलपुत्री की आराधना करने से सुख शांति वैभव और विचारों में कठोरता आती है, जिससे कि हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम होता हो जाते हैं। महाराज जी नमस्कार, थोड़ा सा बताएं मंदिर के बारे में। अच्छा अच्छा, तो अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ नदी किनारे है। और कुछ खास बात यहाँ की? अच्छा, तो ये माँ शैलपुत्री का दिन है आज और महाराज जी के अनुसार उनका कहना है कि यह माता तीन समय अलग अलग रूप बदलती हैं और ये वाकई में एक चमत्कार है और इस चमत्कार को देखने के लिए अगर आप ज़रूर आएँ, माता के दर्शन करें और माता का आशीर्वाद लें, जिससे कि आपके जीवन में सुख शांति वैभव और समृद्धि भी आए। यहाँ आप देख रहे हैं भक्तगण आ रहे हैं। जय माता दी।